10,000 के नीचे स्मार्टफोन ढूंढना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि सारे जो ब्रांड है फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन लॉन्च करते जा रहे हैं, लेकिन इन्फिनिक्स वालों ने भी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, इन्फिनिक्स वालों ने एक और नया स्मार्टफोन अपना लॉन्च कर दिया है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 प्लस, और इसका सेल फ्लिपकार्ट के ऊपर 3 अगस्त से होने वाला है। 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला फोन आपको 8,000 रुपए में मिलेगा। तो और भी काफी सारे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिएगा एंड तक, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारा कुछ बताते हैं इस फोन में क्या इन्फिनिक्स वालों ने खास चीज दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो डिजाइन इस फोन का काफी ऑसम दिया गया है, काफी यूनिक सा डिजाइन दिया गया है। बैक साइड में पूरा का पूरा प्लास्टिक बॉडी दिया गया है, लेकिन देखने से बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि प्लास्टिक का बॉडी दिया गया, क्योंकि मिरर फिनिशिंग के साथ आता है। मतलब देखने से ऐसा लगता है बिल्कुल कि जो है बैक साइड में पूरा ग्लास बॉडी दिया गया है, लेकिन प्लास्टिक का बॉडी मिलता है, फ्रेम भी प्लास्टिक के मिलता है, और बैक साइड में आपको ऊपर की तरफ में कैमरा कटआउट दिया गया है, जिसमें कि 2 बड़े-बड़े रिंग्स दिए गए हैं, यानी कि डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, और वो कैमरा सेटअप फोन को और ज्यादा यूनिक बना देता है, स्टाइलिश बना देता है। और उसके जस्ट नीचे में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फ्रंट में बात करें तो सेंटर में आपको जो है वाटर ड्रॉप नोट्स भी वाली डिस्प्ले दी गई है, और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देखा कि 6.82 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है, तो काफी बड़ा सा फोन है, और जो है थोड़ा सा वो इस फोन का वेट भी ज्यादा है, 206 ग्राम आई थिंक है इस फोन का वेट। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यह आता है मीडियाटेक हेलियो G25 के ऊपर, जो कि बेस्ड है 12 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर। यानी ओवरऑल बात कर ले डेली लाइफ यूजेज, मल्टीटास्किंग, वीडियो वगैरह देखने में, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में ब्राउजिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और इवन दो आप लोग जो है नॉर्मल गेम भी प्ले कर सकते हो। वहीं बात कर ले बैटल ग्राउंड की, तो बैटल ग्राउंड गेम आप जब प्ले करने जाइएगा तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, मतलब जैसे कि हाई क्वालिटी पर नहीं खेल पाइएगा, और लो क्वालिटी में भी खेलिएगा तो वहां पर भी आपको फ्रेम ड्रॉप्स या फिर जो है लैग देखने को मिल सकता है। और इस फोन के प्राइसिंग के अनुसार से क्या ही बात कर सकते हैं बैटल ग्राउंड गेम खेलने की, तो इतना ही जो मतलब नॉर्मल गेम प्ले करने के लिए और डेली लाइफ यूजेस में काम निकल जाएगा अच्छा खासा, तो आई थिंक इसके अनुसार से इसका जो है परफॉर्मेंस अच्छा खासा दिया गया है। डिस्प्ले की बात कर ले तो काफी बड़ी डिस्प्ले दी गई है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया है, 6.82 इंचेस की HD+ IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, AMOLED डिस्प्ले नहीं दी गई है। तो इस प्राइस रेंज के अनुसार से AMOLED डिस्प्ले होना उतना जरूरी भी नहीं है, मतलब इस प्राइस रेंज के अनुसार में सारे फोन में जो है LCD डिस्प्ले ही आता है, तो इसमें भी LCD डिस्प्ले ही दिया गया है। 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट दिया गया है, 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, और 500 nits तक का ब्राइटनेस दिया गया है, यानी कि आप जो आउटडोर्स में फोन चलाइएगा आप धूप वगैरह में, तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। प्रोटेक्शन की बात कर ले तो इसमें जो है पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। कैमरा सेटअप की बात कर ले तो बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, कहने के लिए तो सिर्फ 2 है लेकिन काम तो एक ही में आता है, मतलब कि 2 तो एक जो है फालतू में दिया गया है, काम तो एक ही आता है। 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जो कि फुल HD 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। और फ्रंट वाले कैमरे की बात कर ले तो 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसमें कि आप फुल HD 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बैटरी क्वालिटी की बात कर ले तो 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, और उसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में मिलता है 10W का चार्जर, जो कि नॉर्मल चार्जर है, तो यानी कि चार्ज होने में तो आपको टाइम लगेगा, 2 घंटे से ऊपर लगेगा, क्योंकि 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, और चार्ज होने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन बैटरी बैकअप जो है इस फोन में अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। माइक्रो USB केबल दी गई है चार्ज करने के लिए, टाइप सी वाली केबल नहीं दी गई है। डुअल सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है, जिसमें कि आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, यानी कि एक्सपेंडेबल स्टोरेज वाला ऑप्शन दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन 5 दिया गया है, 3.5 mm ऑडियो जैक इस फोन में दिया गया है, जो कि अच्छी बात है, मस्त कान में ईयरफोन डाल के गाना सुनते रहेंगे हम लोग। और जो है ये आता है एंड्रॉइड 12 के ऊपर, जिसमें कि आपको 10.6 का सपोर्ट मिलता है।